hello dear students how are you hope you all are doing well today in our english grammar class of grade 5th we are going to start with a new topic that is tense continuous so let's begin with this topic tense shows the time of an action tense show hai action ka time means वह बताता है कि एक्शन या काम कब हुआ काइंड्स ऑफ टेंसेस टेंसेस के काइंड्स। थ्री होते हैं फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस सेकेंड इज पास टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस ईच ऑफ दीज थ्री टेंसेस हैज थ्री फॉर्म्स और इन थ्री टेंसेस दैट इज प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर हैज थ्री फॉर्म्स फर्स्ट फॉर्म इज इंडेफिनेट सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस एंड थर्ड इज परफेक्ट बच्चों आज हम कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे देर आर थ्री काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस के थ्री काइंड होते हैं फर्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बच्चो फर्स्ट वन इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस और यह बताता है कि एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मींस एक्शन या काम अभी चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के थ्री फॉर्म्स होते हैं फर्स्ट इज एफर्मेटिव सेकेंड इज इंट्रोगेटिव थर्ड निगेटिव बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के थ्री फॉर्म्स होते हैं फर्स्ट इज एफर्मेटिव सेकेंड इज इंट्रोगेटिव एंड थर्ड वन नेगेटिव पास्ट सेंटिन्यूअस टेंस और यह बताता है कि एक्शन कुछ समय पहले मीन्स पास्ट में चल रहा था या हो रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के थ्री फॉर्म्स होते हैं एंड फर्स्ट फॉर्म इज एफर्मेटिव सेकेंड फॉर्म इज इंट्रोगेटिव थर्ड फॉर्म इज निगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के थ्री फॉर्म्स होते हैं फर्स्ट इज एफर्मेटिव सेकेंड इज इंट्रोगेटिव एंड थर्ड वन इज निगेटिव नाउ वी कम टू थर्ड वन दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बच्चों थर्ड फॉर्म है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और यह बताता है कि जो एक्शन चल रहा है वह फ्यूचर में चलता रहेगा और वह अभी कंप्लीट नहीं होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के थ्री फॉर्म्स होते हैं फर्स्ट इज एफर्मेटिव सेकेंड इज इंट्रोगेटिव एंड थर्ड वन इज नेगेटिव। बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के थ्री फॉर्म्स होते हैं पहला है अफर्मेटिव सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव एंड थर्ड वन इज निगेटिव कम टू एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज सेस फिल ईच ब्लैंक एस डायरेक्टेड जैसा डायरेक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली ब्लैंक को फिल करना है फर्स्ट ही डैश क्रिकेट ब्रैकेट में प्ले और डायरेक्शन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बच्चों हमें प्ले का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ब्लैंक में फिल करना है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज़ ओब्लिक एम ओब्लिक आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जी प्लस ऑब्जेक्ट बच्चों इस सिंगुलर नाउंस ऑफ प्रोनाउंस के साथ यूज होता है एम हमेशा आई के साथ यूज होता है और आर हमेशा प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ यूज होता है इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है सो so, हम सब्जेक्ट के बाद इस यूज करेंगे इसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है प्ले इसलिए हम प्ले लिखेंगे और उसके साथ आई एन जी तो आई एन जी बन गया प्लेइंग ही इज प्लेइंग क्रिकेट वह क्रिकेट खेल रहा है सेकेंड यू डैश योर होमवर्क ब्रैकेट में डू डायरेक्शन है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बच्चों हमें डू का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ब्लैंक में फिल करना है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ओब्लिक वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट बच्चों वाज सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस के साथ यूज किया जाता है और वर प्लूरल नाउंस और प्रोनाउंस के साथ यूज किया जाता है सो so, यहां पे क्या है यू यू के साथ हम वर यूज करते हैं सो so, यहां पर हम क्या लिखेंगे वर डब्लू ई आर ई वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू का डू ही रहता है और उसके बाद आई एन जी तो डू का हो गया डूइंग यू वर डूइंग योर होमवर्क तुम अपना होमवर्क कर रहे थे थर्ड पूजा डैश हर यूनिफॉर्म ब्रैकेट में क्या है वॉश डायरेक्शन है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बच्चों हमें वॉश का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ब्लैंक में फिल करना है और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शेल बी ओब्लिक विल बी प्लस मेन वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई जी प्लस ऑब्जेक्ट बच्चों शैल हम आई और वी के साथ यूज करते हैं और बाकी सब के साथ हम विल यूज करते हैं यहाँ पूजा है सो हम यहाँ पर विल यूज करेंगे पूजा विल डब्ल्यू आई डबल एल विल बी वॉशिंग डब्ल्यू एस एच आई एन जी वॉशिंग हर यूनिफॉर्म पूजा अपनी यूनिफॉर्म वॉश कर रही होगी फोर्थ आई डैश टू द्रैकेट में क्या है गो डायरेक्शन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस बच्चों हमें गो का प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस ब्लैंक में फिल करना है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एस ओब्लिक एम ओब्लिक आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट यहां आई है और आई के साथ हमेशा एम यूज होता है सो so हम एम लिखेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी के साथ तो गो go का गोइंग जी ओ आई एन जी गोइंग आई एम गोइंग टू द देंपल मैं टेम्पल जा रहा हूं फिफ्थ सोनम डैश टी ब्रैकेट में क्या है प्रिपेयर और डायरेक्शन है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें प्रिपेयर का पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ब्लैंक में फिल करना है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज ओब्लिक वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सो so, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम वॉस लिखेंगे w A एस और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी के साथ मीन्स प्रिपेयरिंग P R E P A R I N G सोनम वॉज प्रिपेयरिंग टी सोनम टी बना रही थी नाउ वी कम टू एक्सरसाइज बी एंड इट सेच सेंटेंस एज डायरेक्टेड जैसा डायरेक्शन दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस को चेंज करना है फर्स्ट द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क बच्चों हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है एस यूज है यानी ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इसमें क्राइंग लिखा है ना इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है ना इसमें नॉट है सो ये एफर्मेटिव फॉर्म है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का सो लेट्स सी इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है फर्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म का फॉर्मूला है एस ओब्लिक एम ओब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इस एम या आर बच्चों यहाँ सिर्फ सिंगुलर है एक ही चाइल्ड child है चिल्ड्रन नहीं है सो so हम इस यूज करेंगे इस द चाइल्ड सब्जेक्ट है चाइल्ड तो द चाइल्ड सी एच आई एल डी चाइल्ड फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आई एन जी तो क्राइंग सी आर वाई आई एनजी क्राइंग फिर ऑब्जेक्ट दैट इज मिल्क फॉर मिल्क एम आई एल के मिल्क लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज द चाइल्ड क्राइंग फॉर मिल्क क्या चाइल्ड मिल्क के लिए रो रहा है नो बी दैट इज निगेटिव अब हमें इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट बच्चों यहां सब्जेक्ट क्या है हमारा चाइल्ड सो so, हम क्या लिखेंगे द चाइल्ड सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम क्या लिखेंगे इज इसके बाद क्या यूज करना था हमें नॉट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज क्राइंग सी आर वाई आई एनजी क्राइंग देन ऑब्जेक्ट दैट इज मिल्क फॉर मिल्क फुल स्टॉप

पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और इसमें साथ में लगा है मीन्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के निगेटिव फॉर्म का सेंटेंस है लॉ हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है ए एफर्मेटिव हमें इसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज ओब्लिक वर् प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सो हमारा सब्जेक्ट क्या है वुड कटर इसलिए हम यहां लिखेंगे द डब्लू डबल ओ डी वुड कटर सी यू डबल टी ई आर कटर यह हमारे हो गया सब्जेक्ट देन वॉज या वर सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए वॉस डब्ल्यू ए एस वॉस देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कट और उसमें हमें आई एनजी यूज करना है कटिंग सी यू डबल टी आई एन जी कटिंग फिर ऑब्जेक्ट द वुड द वुड कटर वॉज कटिंग द वुड वुड कटर वुड कट कर रहा था बी इंट्रोगेटिव बच्चों अब हमें इस सेंटेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसका फार्मूला है वाज ओब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे वॉट काटर सिंगुलर है, है। इसलिए हम वाज लिखेंगे वाज देन सब्जेक्ट द वुड कटर द वुड कटर वुड कटर सी यू डबल टी ई आर कटर देन क्या लिखेंगे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क आई एन जी के साथ सो कटिंग सी यू डबल टी आई एन जी कटिंग फिर ऑब्जेक्ट द वुड डब्लू डबल ओ डी वुड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क वॉज दी वुड कटर कटिंग दुड वुड कटर वुड कट कर रहा था थर्ड विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा बच्चों इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है दैट मीन्स ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है और इसके स्टार्टिंग में विल है शैल और विल फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं सो so, ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म का है और इसे हमें कन्वर्ट करना है ए एफर्मेटिव फॉर्म में मींस फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के एफर्मेटिव फॉर्म में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है और उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल बी ओब्लिक विल बी प्लस first form of verb plus ing plus object. So हमारा subject क्या है he. इसलिए हम क्या लिखेंगे he. Then will be क्योंकि subject हमारा singular है will be. Then first form of verb play p l a y plus ing. So बन गया playing. Then ऑब्जेक्ट दैट इज फुटबॉल एफ डबल ओ टी फुट बी ए डबल एल बॉल ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल वह फुटबॉल खेल रहा होगा नो बी वन दैट इज निगेटिव हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के निगेटिव फॉर्म में सेंटेंस को अब कन्वर्ट करना है और उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सो यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है ही और ही के साथ हम क्या यूज करेंगे विल और विल के बाद नॉट देन बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब with ing means playing p l a y i n g playing और उसके बाद हमें क्या करना है Object means football, f o o t foot ball he will not be playing football वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा Hope, students, you all have understood this. Now, write this neatly in your notebook. Thank you.